ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون रब शुररी वसरली अमरी वहदत मिलसानियहु कौली हर क़सम की तारीफ हमदोसना किबरियाई और बड़ा रब्ल के लिए हैं जो तमाम जहनों का पालने वाला रब है और इसी तरह उसके आखिरी नबी महम्मदल्ला सल्हु वसलम पर बेशमारदरदोसम हमदोसना के बाद मेरे भाइयों और मेरी माँ बहनों आज मैं आप लोगों के सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिस उनवान के तहत कुछ बातें सुनाने वाला हूँ वो है खुशी के नाम पे होने वाले गुनाह अल्लाह ताला से हम सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह में कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोहफे कता फरमा आमीन या आलमीन वरना ऐसी मजलिसें कई मरतबा सजाई जाती हैं ऐसी मजलिसों में हम कई मरतबा बैठते हैं सुनते हैं लेकिन अगर बैठने का सुनने का मकसद सिर्फ टाइम पास करना है एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ना है तो फिर ऐसी हज़ारों मजलिसों में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता हमारी नीयत पहले ये दुरुस्त हो हम कानों के मज़े के लिए ना सुने हम इसलिए सुने कि भाई सुनने के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए अल्लाह की बात अल्लाह के रसूल की बात सुनने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी को मैं अपने अमाल को सुधारने की कोशिश करूं यह हमारा मकसद रहे और दूसरी बात मेरी आदत है कि जब कभी ऐसी मजलिसों में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कुछ बोलूं आपसे भी कुछ सुनना चाहता हूं कभी कभी अगर कोई बात में पूछ लू तो जवाब देना देंगे ना वह इंशाला इन वरना जुमा का खुतबा होता है तो उसमें सवाल करने का कोई मौका नहीं रहता यह मजलिसें क्या है कुछ सीखने की मजलिसें हैं मैं आपसे कुछ सीखूं आप मुझसे कुछ सीखें हम सब मिलके अल्लाह और उसकी रसूल की बातें सीखें तो हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे ग़ौर से सुनेंगे तो हमारी सुस्ती भी ख़त्म हो जाती वरना आज हमारा माहौल ऐसा हो गया एक घंटे का बयान सुनना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया इसलिए आजकल सब नौजवान वो थर्टी सेकेंड्स के रील्स देख रहे सिर्फ नहीं मोल साहब हमारे को ये पाँच मिनट का भी क्लिप नहीं होना कुछ भी बोलना है तो हमारे को थर्टी सेकंड्स में बता दो बस भले वो तीन चार घंटे की पिक्चर अगर मिल जाए तो देख लेंगे बगैर किसी तकलीफ़ के लेकिन ये मजलिसों में बैठना बड़ा मुश्किल और ऐसी मजलिसों में आते भी हैं तो फिर आधी अधूरी बातें सुनते हैं अक्सर लोग कुछ लोग तो वो मोबाइल का फितना तो है हमारे पास वो हमेशा चालू रहता अब ये मोबाइल का फितना तो अलग फितना है हमारी नमाजों की खुशबू भी ख़त्म हो गई मोबाइल की वजह से सलाम फेरा कि टिक टिक कुछ तो भी आवाज़ आई निकाल के देखता नोटिफिकेशन आया तो जल्दी भाग जाता जुमा का खुतबे में भी आते हैं जुमा के खुतबे में इमाम सब खुतबा देते हैं बीच में अगर काल आया साइलेंट पे रख लेता काल आया तो उठ के भाग के बाहर जाके बात कर रहे हैं आज लोग अब ऐसी मजलिसों में भी कोई फोन कॉल आ गया कोई मैसेज आ गया उठ के भाग जाते मेरे भाईयों तरीक़ा नहीं होता हम दीन की मजलिसों में बैठे अब खवातीन भी सुन रही माशाल्लाह तो खवातीन के लिए भी एक बात याद आई तो बोलूं क्योंकि आप तो मर्द हजरात हैं माशाल्लाह हमारे सामने बैठे हुए हैं हम आपको देख रहे हैं अगर आप में से कोई सो रहे हैं तो हम बोल सकते कोई कुछ शरारत कर रहे बच्चे तो हम बोल सकते भाई ऐसा नहीं ऐसा अब खवतन को तो कौन बोले अक्सर मजलिस ऐसी होती है खुतिन की अक्सर यहाँ कैसी होती नहीं मालूम लेकिन अक्सर खवतन की मजलिसों में मुकमिल बात नहीं सुनते हर जगह शिकायतें सुनता हूँ मैं कभी कभी मैं हमारे घर वालों को भी भेजता हूँ कि भाई वहां पर क्या हालात चल रहे खातन में थोड़ा देखो एक मरतबा ऐसे ही हमारे एक दोस्त बोल रहे थे फयाज़ भाई मैं बहुत साल पहले की बात है दस बारह तेरह साल पहले की बात है मैं जब दुबई में था हमारे एक दोस्त घर को फ़ोन करे यानी इंडिया को फ़ोन करे फ़ोन करे बेगम से बात करे उसके बाद आके बोल रहे फयाज़ भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर भी दिन का काम करता था तो वह आके मुझे बोल रहे थे फयाज़ भाई आज घर को फ़ोन करा तो मेरी बेगम बोलने लगी हमारे गाँव में इज्तम था कहते लेडीज़ का खातन का तो मेरी बेगम गई मैं भी खुश हो गया इन्हें हमेशा फिल्म टीविया गाने ये सुनने वाली आज दिन की मजिल में भी चले गए खुश हो गया तो माशाला गई थी जी इज्तेम में अच्छा गए क्या हाँ बेगम फिर जाके क्या करे क्या सुने क्या बोले अब वो क्या अब मेरी बेगम जवाब दे रही हमारे दोस्त बोल रहे देखो मेरी बेगम गई इज्तेम में मैं जब पूछा कि क्या सुने बेगम बोले तो देखो क्या सुनी वो बाद में लेकिन मैं जहां पर इज्तेम में गई थी ना मेरे बाजू में एक औरत बैठी थी उसके गले में अच्छा नेकलेस था इतना अच्छा डिजाइन था अब वैसा डिजाइन मेरे को होना तो हमारे खुतिन अक्सर अक्सर बोल रहा हूँ सब नाराज नहीं होना मेरी बहने अक्सर जाती हैं किसी का नकलिस देखने के लिए किसी से मुलाकात के लिए किसी से बातचीत हो जाती थोड़ा टाइम पास हो जाता घर में से निकले तो किसकी साड़ी अच्छी है किसका मेकअप अच्छा है किसका मेहंदी का डिज़ाइन अच्छा है यह देख लेने के लिए दि, दिन की मजलिसों में आती है ऐसा नहीं होना उम्मीद करता हूं यहां हैदराबाद के हमारे इस इलाके के खासतौर से लिलिन नगर के खवातिन तो ऐसे नहीं होंगे इन तो बहरहाल चलिए भाई आज का मौजू क्या था बोलिए टॉपिक का नाम सुनना चाहता हूं मैं आपसे खुशी के नाम पे होने वाले गुनाह माशाल्लाह ऐसे याद रहना अगर पहले टॉपिक ही याद नहीं है तो फिर कुछ भी याद नहीं रहता शुरू से सुनते हुए आए हाउ मन साहब अच्छा बोले जी कितना अच्छा बोले मैं बोल नहीं सकता उतना अच्छा बोले ऐसा नहीं होना कितना अच्छा बोले कि वो बोलना किसी को बोल सकना जाके हमारे दोस्तों को हमारे मजलिसों में हमारे रिश्तेदारों में बाहर कल जाते ना जो नहीं आए उनको बोलना भाई फलान जगह हम ये बात सुने बोल के बोलेंगे ना भाई इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह हमारी इस मजलिस को यहां बैठने को यहां सुनने को कबुल फरमाए आमीन चलिए भाई सबसे पहले खुशी हर इंसान की जिंदगी में खुशी और गम दोनों भी आते रहते हैं लेकिन खुशी के मौके पे बहुत सारे लोग बहुत सारे गलतियाँ कर लेते हैं बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं वो गुनाह क्या है वही आज मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ देखिए बहुत सारे लोग आज खुशी का मौका आता है किस किस चीज़ पे खुशी होती बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को खुशी होती अल्लाह की नेमतों पर खुशी मिलती है कौन सी भी नेमत अल्लाह ताला सेहत दिया खुशी अल्लाह तला औलाद दिया खुशी अल्लाह तला शादी करा दिया तो अलहमदिल्ला खुशी घर बना लिए तो खुशी जॉब मिल गया तो खुशी अब अलहमदिल्ला कुछ नेक लोगों को अल्लाह की इबादत करते हुए खुशी नमाज़ पढ़ते हुए खुशी कुरान पढ़ते हुए खुशी ऐसी दीन की मजलिसों में बैठते हुए खुशी ये भी खुशी तो कई किस्म की खुशी है कुछ लोगों को गुनाह करते हुए भी खुशी होती है गुनाहों में भी खुशी होती तो इन खुशियों में करने वाले काम क्या है और नहीं करने वाले काम क्या है आम तौर पर हमारे मुसलमानों में जो गलतियां हो रही है वो एक एक करके मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। इस्लाम खास तौर से हमारा ये जो नौजवान तबका है आजकल क्या बोलते भाई पढ़े लिखे लोग जिनको आज आम तौर पर समझा जाता है नहीं भाई हम हमारे पास इतनी डिग्री है हमारे हम इतना पढ़े ये लोगों में अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई इस्लाम बहुत मुश्किल दीन है इस्लाम वो कट्टरपंथी वाला दीन है इस्लाम में ये हराम ये हराम ये नहीं करना वो नहीं देखना यहां नहीं जाना ये नहीं खाना ये सब चीजें क्या है भाई खासतौर से नौजवानों की सोच ऐसे बन रही है। हमारे नौजवानों के आटों के पीछे भी लिखा हुआ नजर आता शायद हमारे निजामाबाद में बहुत सारे नौजवान लिख के नजर आते माई लाइफ माई रूल्स कत मेरी जिंदगी मेरी मर्जी मैं किसी कानून को नहीं मानता इसका मतलब यही है मैं इस्लाम को अल्लाह की बात को रसूल की बात को किसी की बात नहीं मानता मेरी जिंदगी मेरी मर्जी भाई गलत है इस्लाम को मुश्किल समझ के इस्लाम छोड़ के भी जाने वाले बहुत सारे लोग हैं आज आज यूट्यूब में अगर आप निकाल के देखेंगे एक्स का फितना चल रहा एक जमाने में मुसलमान थे अब इस्लाम छोड़ दिए वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे आज अल्लाह ऐसे फितनों से हम लोगों को बचाए असल में इल्म नहीं रहने की वजह इल्म की कमी ऐसे फितनों का ऐसे फितनों को जन्म देती है तो खुशी इस्लाम खुशी मनाने से खुश रहने से मना नहीं करता इस्लाम कभी ये नहीं बोला कि भाई तुम हंसना नहीं तुम खुशी नहीं, नहीं मनाना तुम हमेशा रोते रहना तुम हमेशा डरते रहना तुम हमेशा नमाजा पढ़ते हुए रहना गम मनाते रहना खुशी नहीं मनाना कभी नहीं बोला इस्लाम हर चीज में इस्लाम क्या बोलता है इस्लाम क्योंकि अल्लाह ताला हम लोगों को पैदा करा तो अल्लाह ताला को मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इंसान के लिए किस में फायदा है किस में नुकसान है अल्लाह को मालूम है इसलिए अल्लाह ताला कुरान हदीस के जरिए से हम लोगों को समझा दिया आए इंसान देख तेरे लिए ये ये चीजें हैं इससे तेरे को नुकसान है दुनिया में भी नुकसान होता और आखिरत में भी और ये फलां फलां चीज़ है इससे तेरे को फायदा होता तो फायदे वाली चीजों को अल्लाह ताला हलाल करके रखा नुकसान वाली चीजों को हराम करा हम क्या समझ लिए अरे नहीं भाई ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना वो भी नहीं करना बोल रहा इस्लाम ये बहुत मुश्किल दीन है नहीं इस्लाम ख्वाहिश को कुचलता नहीं है हुदूद लगाता कंट्रोल करो बोलता मिसाल के तौर पर हर चीज में हर काम में हुदूद कंडीशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस होना जरूरी है जिस चीज में ये नहीं होते फिर वो चीज कामयाब नहीं होती है तमीदी बातें बोल रहा हूं लेकिन बड़ी अहम है सुनो आप समझो हमारे नौजवानों को समझाना तुम बोल के मैं आसान अंदाज में बोलता हूं हमेशा तुम तुम्हारे दोस्तों को समझाना जाके देख भाई ये नहीं करना बोले तो उन्हें क्या समझता आज बोलते ना भाई अगर बेपर्दा औरत को तुम जाके बोलो पर्दा करना हां मैं नहीं करती मेरे को बचपन से आदत नहीं है मेरे अब्बा अम्मिया करा ये क्या चीज है पर्दे की वजह से आज बातें तलाक तक चली जा रही कितने हम लोगों को फोन कॉल्स आते हैं मैसेजेस आते हैं मेरे भाइयों ऐसे कई चीजें हैं जो आज लोगों को इल्म नहीं रहने की वजह से उसको मुश्किल समझ रहे तो मैं क्या बोल रहा था असल में हुदूद आप अगर एक स्कूल चला रहे एक कॉलेज कोई कंपनी कोई कारोबार कुछ भी अगर चला रहे भाई उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते कि नहीं होते जुबान से बोलो मुझे जुबान से होते हाँ ऐसा बोलना है सिर्फ मुंडी नहीं हलाना ठीक है ना हाँ देखिए भाई एक स्कूल जाने वाला बच्चा है सुबह नौ बजे बच्चे को लाके छोड़ना दोपहर में एक बजे खाना खाने का टाइम रहता दो बजे तक फिर उसके बाद साढ़े तीन चार बजे स्कूल छूट जाता ये स्कूल्स के उस स्कूल के रूल्स हैं उसको हमको फॉलो करना पड़ता है अगर हमारे बच्चे को पढ़ा रहे तो इस टाइमिंग को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है नहीं मेरा बच्चा मेरी मर्जी मैं बारह बजे ला के छोड़ता हूं मैं दो बजे वापस लेके जाता हूं पढ़ाता कोई स्कूल नहीं उसका स्कूल है मैनेजमेंट जो टाइमिंग दिया उसको तुम्हें फॉलो करेंगे तो तुम्हारा फायदा होगा नहीं फॉलो करेंगे तो फॉलो फायदा नहीं होगा उल्टा नुकसान होगा इसी तरह हर कंपनी में हर दुकान में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते इसी तरह आए मुसलमान अगर तू कलमा पड़ा अब तेरे लिए कुछ रूल्स है कुछ कंडीशन है अल्लाह को मालूम है तेरे लिए क्या फायदा है? इसलिए वहां पर यहां रुकना है बोल के कंडीशन लगाया वहां रुकना तेरे लिए जरूरी है नहीं रुका तो तेरे लिए नुकसान होता तो अब खुशी है खुशी में भी कौन कौन सी चीज़ें खुशी की है उसमें कहां तक तेरे लिए हलाल और जायज़ चीज़ें हैं अल्लाह और उसके रसूल बता दिए अब उससे हटके मैं आज़ाद हूं मेरी मर्जी बोल के कर लिया था वो तेरे लिए दुनिया में भी नुकसान और आखिरत में भी नुकसान होंगे तो याद रखो भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना कैद खाना बोले तो आसान अंदाज में क्या बोलते है? आसान लफ्जों में जेल जेल राइट दुनिया एक मुसलमान के लिए क्या है कहते जेल जेल की तरह है काफिर के लिए जन्नत है बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के लिए जेल मतलब अब हम सब मुसलमान हैं इस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हमारे लिए ये दुनिया क्या है जेल है जेल में जाने के बाद नहीं मियां घर में रोज गोश्त खाने की आदत थी गोश्त लाओ बोले तो मिलता नहीं मिलता घर में मैं किधर बोले उधर गाड़ी लेके भागता था अब मेरे गाड़ी होना निकल के राउंड मार लेके आ तुम दोस्तों के पास जाने देते नहीं। हमारे लिए ये जेल है अब जेल में एक इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता एक इंसान इसी तरह मुसलमान तू भी इस दुनिया में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता अब जो भी करना है अल्लाह की मर्जी से करना है अल्लाह ताला जहां उठो बोला वहां उठना जहां बैठो बोला वहां बैठना जो खाओ बोला वो खाना जो नहीं खाओ बोला वो नहीं खाना जो देखो बोला वह देखना जो नहीं देखो बोला वो नहीं देखना के रसूल साल एक हदीस में वाजे कर दिया मुसलमान के लिए यह दुनिया जेल है काफिर के लिए जन्नत है। हमारे लिए खुशियों की असल जगह कहां है फिर हाँ ये जिंदगी का असल मकसद है इसको समझो ये दुनिया की पचास साठ सत्तर अस्सी साल की जिंदगी जेल की तरह गुजार लो अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लो कुचल लो थोड़ी सी मुश्किल होगी थोड़ी सी तकलीफ होगी कंट्रोल कर लो असल खुशी जन्नत है असल खुशी मुसलमान की कहा है जन्नत में है लेकिन काफिर के लिए असल खुशी दुनिया में है। तो दुनिया में काफिर के लिए सिर्फ पचास साठ साल की खुशी है मुसलमान के लिए हमेशा की खुशी जन्नत में है इस चीज को अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरा फुरखान आयत नंबर 22। क्या कहता है यौमा जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इन गुनाहगारों को कोई खुशी ना होगी और कहेंगे ये महरूम ही महरूम किए गए एक इनकार करने वाला एक मुशरिक एक मुजरिम, एक काफिर के लिए जब वो फरिश्तों को देख लेता ना कौन से मौत के फरिश्ते या फिर ख्यामत के दिन जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों को देख लेता ना उसके लिए कोई खुशी नहीं दुनिया में खुशी थी उसके लिए आजाद था मरते तो उसकी खुशियां खत्म अल्लाह ताला ये काफिरों के बारे में बोल दिया और मेरे नौजवान साथी अगर अल्लाह आपको सहद दिया माशाल्लाह अगर आपकी कमर में ताकत है तो दीवारों का टेका छोड़ के थोड़ा खरीब आ जाए मेरे भाई बुरा ना समझे अल्लाह के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मजबूरी नहीं है तो प्लीज खरीब आ जाओ आप जितना खरीब आएंगे ना इंशाल्लाह उतनी अच्छी तरह आपको बात समझ में आती और जितना दूर रहेंगे ना उतना शैतान आप लोगों को भटकाते रहता इधर उधर उधर इधर देखते रहते हैं और एक स्पीकर के लिए एनर्जी आप लोग देते हैं आप लोगों से हमको ताकत मिलती है आप जितनी तवज्जो के साथ सुनेंगे हम उतनी अच्छी बातें सुनाएंगे आप अगर इधर उधर देखेंगे बाहर भागेंगे फोन लेके भागेंगे तो फिर हम जो बोलना चाह रहे हैं वो भूल जाएंगे मेरे भाई तो माशाल्लाह आप देखो कितना अच्छा लग रहा अल्लाह ताला कहता है कुरान में सूरा इनशाक़ आयत नंबर छह से लेकर नौ अल्लाह ताला क्या कहता है या अय्युहल इंसानो इन्नका कादिहुन इला रब्बिका फ अम्मा मन ऊत यमीन आए इंसान तू उस वक़्त अपने रब से मिलने तक ये कोशिश और तमाम काम और मेहनतें करके उससे मुलाकात करने वाला है हम सब इस दुनिया में जो भी मेहनत करना है तकलीफ उठाना है काम करना है सब करके जाने वाले कहाँ हैं अल्लाह के पास अल्लाह से ही मुलाकात करना है फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है किताब तो उस वक्त जिस शख्स के दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया जाएगा और वो अपने अहल की तरफ हंसी खुशी लौट के जाएगा जिसके सीधे हाथ में नामे आमाल मिलेंगे ना वो फिर जन्नत में खुशी से दाखिल होगा बोला अल्लाह ताला पहली की आयत में काफिरों के बारे में आया फरिश्तों को जब वो देख लेगा उसकी खुशी खत्म लेकिन एक मुसलमान उसके नाम आमल जैसे ही सीधे हाथ में मिलते हैं उसकी खुशी वहां से शुरू खयामत की दिन से ही उसकी खुशी शुरू एक और आयत सुन लो जुखरूफ आयत नंबर सत्तर उदुल जन्नतुन तुम और तुम्हारी बीविया बदशाश यानी राजी खुशी जन्नत में चले जाओ खुशी कहां है बोला अल्लाह तला जन्नत में असल खुशी जन्नत में है अब इसलिए दुनिया में थोड़ा सा कंट्रोल कर लो अपने आप को असल खुशी जन्नत में मिलने वाली है अब एक अहम हदीस सुना के वो कौन कौन से गुनाह है वो भी इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों के सामने रखूंगा मेरे भाइयों बड़ी अहम हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे अपनी नेकी से खुशी मिले और गुनाह से गम हो हकीकत में वही मोमिन है तिर्मिजी की रिवायत है मोमिन कौन कहते बोलना है अब आपको हम क्या है हम सब मोमिन है ना भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना इन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो भी बोले हम सब मोमिन है माशाल्लाह तो हकीकत में सच्चा मोमिन सच्चा मुसलमान कौन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बोल रहे हैं। क्या है दो चीजें नेकी करते हुए खुशी होना गुनाह करते हुए गम होना तकलीफ होना तो फिर मोमिन अब अपने आप से सवाल कर लेना नमाज पढ़ना नेकी है, है ना भाई ये बैठना है, अब इस में बैठ के आपको नमाज को आते हुए कुरान हाथ में लेके तिलावत करते हुए खुशी हो रही या नहीं हो रही जिक्र आप आप करते हुए खुशी हो रही या नहीं हो रही अगर ये नेकी के काम करते हुए तुम्हें खुशी हो रही तो अलहदुल्ला तुम सच्चे मोमिन बोले अल्लाह के रसूल नहीं मुल साहब कौन सा कि मजबूरी को आ गया बैठ गया कब कब भागना की देख रो जुम्मा के खुदमे में पांच मिनट ज्यादा हुए तो मुल साहब कब खत्म करते कि क्या है कि बाहर क्रिकेट मैच खेलने का है आईपीएल चलने वाला है नेकी करते हुए खुशी है फिर ये ये खुशी नहीं खुशी नहीं। नेकी का, का काम करते हुए खुशी किसी को गरीब को मदद करते हुए खैरात करते हुए सदका करते हुए खुशी होना तो फिर सच्चे मोमिन और गुनाह करते हुए तकलीफ होना गम होना कभी हो जाता भाई इंसान है हम फरिश्ते नहीं हैं कभी गलती हो जाती हमसे कभी गुनाह हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक दिन गफलत की वजह से फजर की नमाज छूटी एक दिन की बात बोल रहा हूँ मैं कितने दिन जी एक दिन जिस दिन फजर की नमाज मेरी छूटी उस दिन तकलीफ हुई मुझे जिस दिन फजर छोड़ के सो गया आँख खुलने के बाद गम हुआ अल्लाह ऐसे कैसे हो गया अल्लाह मेरी फजर छोड़ गई, अल्लाह मुझे माफ़ कर सबसे पहले नमाज अदा करूंगा गलती नहीं करूंगा फिर उस फजर की नमाज छूटने की वजह से कभी रोना आया कभी मलाल हुआ हुआ कभी ऐसा अगर हुआ तो तुम सच्चे मोमिन इस हदीस के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूं हमारी साल साल छूट जाती नमाज़ें की कोई तकलीफ नहीं कोई गम नहीं कोई टेंशन नहीं गुना करे मोबाइल देखे अम्मी को नहीं मालूम बाबा को नहीं मालूम रात को कुछ तो भी फिल्म देख लिया मैसेजेस कर लिया किसी से चैटिंग कर रहा किसी से अफेयर कर रहा गुना कर रहा गुना करके कभी तकलीफ हुई गुना में खुशी हुई कितने मैसेज करे तो उतनी खुशी कितने रील्स देखे तो उतनी खुशी कितने वीडियोस देखे तो उतनी खुशी गुनाह करके खुशी हो रही तो फिर मुसलमान सच्चा मुसलमान तो नहीं होता भाई इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अब बोलो इस हदीस के हिसाब से क्या सबक मिला हम लोगों को आइंदा चलो आज तक जो भी हुआ हो गया आइंदा तो इंशाल्लाह ये काम नहीं करेंगे क्या गुनाह करके कभी खुशी नहीं होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरा जोर से गुना करके कभी खुशी नहीं होगी इनशा नेकी करके खुशी होगी इनशा तो फिर हम सच्चे मुसलमान वरना ये जो रस्मी मुसलमान जो चलते आ रहे हैं ना अपन रस्मी मुसलमान किसको बोलते हैं कौन सा कि अम्मा अब्बा के पेट में पैदा हुए मुसलमान माँ बाप के हम भी मुसलमान बन के उन्होंने नमाज पढ़ो बोले जुम्मा को जुमा हम नमाज पढ़ रहे उन्होंने बुरखा पहनो बोले हम पहन ले रहे रस्मी तौर पर सो कर रहे हम भी कर रहे नहीं करे तो लोग कि बोल के कर ले रहे बस तस् तो ये रस्मी मुसलमान कल खयामत के दिन कामयाब होने वाला नहीं नहीं असली मुसलमान बनना है हमको तो मेरे भाइयों ये हदीस सुन लिए माशाला उसके बाद अब हम लोग वो कौन कौन से गुनाह हैं एक दो चार गुनाह ही आप लोगों के सामने रखूंगा गौर से सुनना उस उन गुनाहों को आज हम गुनाह भी नहीं समझे गुनाहों को गुना भी नहीं समझे लेकिन पूरे मौजू को सुनते हुए इस हदीस को आखिर तक भी याद रखना हमेशा याद रखना वो गुना करते हुए फिर मुझे तकलीफ हो रही है, खुशी हो रही खुशी हो रही गुना करते हुए तो फिर मैं सच्चा मुसलमान नहीं ठीक है अब उनमें से पहला गुना वो कौन कौन से गुनाह हैं आज हम लोगों को काफिरों के तरीकों पर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए खुशी होती है आज इस्लाम पे अमल करना मुश्किल हो गया लेकिन काफिरों के तरीक़ों पे चलते हुए खुशी होती है कैसे पहले तो सूर्य फातिहा का तर्जुमा कितने लोगों को आता मेरे भाई सूरे फातिहा सूर्य फातिहा किसको बोलते हैं अलहमदिल्ला ही रब्बी कम अज कम छोटे छोटे सुरों का तर्जुमा हम लोगों को याद होना ठीक है ना हम रोज पढ़ रहे ना भाई क्या पढ़ रहे इह दीना तर्जुमा अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला मांग रहे हम अल्लाह ताला से हर नमाज में मांग रहे किसके रास्ते पे जिसके रास्ते जिस पर जिन पर तू इनाम किया अल्लाह उनके रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ मतलब सहाबा अंबिया सिद्दीकीन अल्लाह इनके रास्ते पे चला बोल के हम अल्लाह से मांग रहे आखिरी आयत में क्या मांग रहे हम महबूबी अल्लाह उनके रास्ते पे को चला अल्लाह उनके रास्ते पे मत चला किनके जिन पर गजब हुआ और जो गुमराह हो गए गजब किस पे हुआ और गुमराह कौन है इसकी तफसीर में उल्मा इक्रम बयान करते हैं ईसाई और यहूदी यहूदी और ईसाई अब इस आयत का मफू मैं एक लाइन में अगर आप लोगों के सामने रखूं हम हर नमाज में पढ़ रहे अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला अल्लाह अल्लाह मुझे सहाबा के रास्ते पे चला अल्लाह अल्लाह मुझे ईसाइयों के और यहूदियों के काफिरों के रास्ते पे नको चलो चला अल्लाह बोल के मांग रहे समझ गए तो बात राइट right. हम खुद मांग रहे ना अल्लाह उनके रास्ते पे नहीं चलना मेरे को अल्लाह मेरे को इनके रास्ते पे चलना किन के रास्ते पे चलना बोलो जोर से जोर से नौजवान हाबा के रास्ते पे चलना है किन के रास्ते पे नहीं चलना है यहूदी काफिर इन लोगों के रास्तों पे हमको चलना नहीं है अब मेरा आपसे सवाल है बर्थडे मनाना किसका रास्ता है भाई मुसलमानों का एनिवर्सरी मैरिज डे मनाना मनानाइयों का थर्टी फर्स्ट आज रात को बारह बजे क्या प्लानिंग है है कुछ तैयारी हमारे नौजवानों की तैयारी है जिनकी तैयारी है उन्होंने आए मस्जिद में जिनकी तैयारी नहीं है उन लोग आके बैठे अच्छा ये थर्टी फर्स्ट मनाना किनका किन का रास्ता किन का तरीका है ईसाइयों का यहूदियों का अब आपसे सवाल है सिर्फ तीन चीजें मैं आप लोगों के सामने रखा बर्थडे मैरिज डे हैप्पी न्यू ईयर अब एक पांच दिन पहले वो हैप्पी क्रिसमस चले गया ये तीन क्या मुसलमान मना रहे नहीं मना रहे आपके दोस्त आपके रिश्तेदार हम नहीं मना रहे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है आप लोग नहीं मना रहे तो बहुत खुशनसीब है लेकिन क्या आमतौर पर देखा जाए क्या इन रस्मों को इन रिवाजों को इन तरीकों को मुसलमान मना रहे या नहीं मना रहे बर्थडे मना तो आज हर घर का मसला बन गया भाई अब इसमें कौन सी जमात का नाम लू ना लू कोई फर्क नहीं पड़ता सब इसमें मुलविस इस है कुरान और सुन्नत का दावा भी है लेकिन घर में बर्थडे बराबर है अरे मोन साहब बर्थडे मनाना भी गलती है क्या क्या हो रहा हमारे बच्चों को थोड़ी चॉकलेट खरीद के दे रहे बस उत शाम में आने के बाद खाली कैंडल लगा रहे एक खाली खुशी के वास्ते कर रहे हैं मुन साहब देखो टॉपिक क्या है आज का खुशी के नाम पर होने वाले गुना हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे वो खुशी नहीं चाहिए जो यहूदो नसारा का तरीके पे मिलती है अल्लाह हमें वो खुशी चाहिए जो सहाबा के तरीके पे मिलती है हर नमाज में दुआ करें ना करें लेकिन हमारा दिल पूरा यहूदो नसरा के तरीके पे छे उसमें खुशी है कोई साहबी बर्थडे मनाए कोई साहबिया बर्थडे मनाए खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थडे मनाए नहीं मनाए लेकिन हमारे मुसलमान नबी की बर्थडे मनाते खुशी से केक काटते हुए नबी का बर्थडे मनाना हमारे अपने बच्चों का बर्थडे मनाना और ये बर्थडे इतना आम हो गया असल में बर्थडे है ना इसको बर्थडे बर्थडे कर दिए इसको इतने सवाल आते हैं साहब अब यहां मस्जिद में आने के बाद भी एक मैसेज आया साहब ठीक है हम बर्थडे नहीं मनाते लेकिन अगर कोई हैप्पी बर्थडे बोल के हमारे को बोले तो जवाब में कुछ तो भी बोलना कि नहीं बोलना थैंक यू बोलना कि नहीं बोलना बोलो भाई बोलना कि नहीं बोलना हमारा बर्थडे है बोल के उसको कहीं को बोलना पहली चीज हो भाई कुछ लोग ये सवाल करते नहीं हमारे बर्थडे के दिन हम रोजा रखना कि नहीं रखना क्या जरूरत है भाई गौर करो बर्थडे नाम की कोई चीज नहीं है याद रख लो कोई किसी का बर्थडे नहीं मनाएगा आज ये बर्थडे के नाम पे नाचना गाना कैंडल्स वो डिजेना वो क्या क्या की पता नहीं सजाना विश करना एक दूसरे को चॉकलेटा देना बच्चों को बचपन से सिखाओ बेटा अगर स्कूल में कोई बर्थडे मना के चॉकलेट दिया तो नहीं लूंगा हराम हलाल की बात नहीं कर रहा इस रसम में मैं, मैं मुलाविश नहीं होना बस मेरे को ये नहीं चाहिए भैया तरीका ही नहीं चाहिए मैं किसी को विश करूंगा नहीं कोई मुझे विश ना करे एनिवर्सरी मुसलमान शादी का दिन है हमारा शादी होने के बाद से शुरू होता कितने दिन में एक बार करते जी एनिवर्सरी बोला ना जी शर्मा कही को जी हा साल में एक मत कई को करते मगर शादी हुई बोले से याद रहे ना बोल के कई को साल में एक बार भूल जाते हैं नीच की नहीं की मेरी बेगम बोल के याद रहे ना हमारे को शादी की खुशी बुड्ढा हो गया दाता पूरे झड़ गए उसको बर्थडे उन्हें शादी का मैरिज डे मनाता है एनिवर्सरी कहते उसकी कौन से नबी मनाए भाई कौन से साहबी मनाए भाई एनिवर्सरी हाँ किसके तरीके पे खुशी हो रही खुशी के नाम पर होने वाला गुना एनिवर्सरी अब ये न्यू ईयर के बारे में क्या बोलूं मैं नया साल कहते नए साल की खुशी आते वक्त भी देखा था यह रास्ता पूरा पूरे बेकरियाँ हाँ पूरे वो क्या बोलते भाई बिरयानिया केक वो पूरे पूरे भर के हैं क्यों नए साल की खुशी मनाना है ना मुल साहब पूरे जगह अभी से बुक करके रख लिए होटल कहाँ नाचेंगे कहाँ डांस करेंगे कहाँ पार्टी करेंगे अल्लाह अकबर कौन सा नया साल किसके तरीके पे चल रहे कौन से साहबी हर काम करने से पहले जरा गौर से सुनो क्या ये मेरे नबी का बदलाया हुआ तरीका है क्या ये मेरे साहबा करे सो तरीका है नहीं है तो फिर वो कितनी भी खुशी का तरीका हो मैं नहीं करूंगा मेरे लिए कितना करीबी दोस्त हो वो मेरा कितना भी करीबी रिश्तेदार हो अगर वो बुला रहा कि भाई चल नाचेंगे चल हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे नया साल थर्टी फर्स्ट डिसंबर मनाएंगे मैं नहीं आऊंगा भाई मैं नहीं करूंगा नया साल असल में करने का काम काम क्या था क्या करे भाई नए साल से क्या सबक लिए क्या इबरत हासिल करे असल में ये उल्टी सोच है हमारी कैसी उल्टी सोच है मालूम है नया साल बोले तो हम क्या समझ रहे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दो हजार चौबीस आरा नया साल आरा समझ रहे उल्टी सोच है ये हालांकि हमारी जिंदगी का एक साल खत्म हो गया हम समझ रहे बड़े हो रहे बड़े हो रहे, रहे नई खबर के गढ़े के करीब हो रहे हम ये सोच नहीं है मेरे जिंदगी का एक साल तीन सौ पैंसठ दिन खत्म हो गए वो अब मैं करोड़ों रुपए लगाने से भी वापस नहीं आ सकते अब मैं क्या करूं वो एक साल में तीन सौ पैंसठ दिन में क्या नहीं कर सकता था नेकी के काम क्या मैं वो करा ये फिक्र करना था इंसान को हर शैतान ऐसा उल्टी पट्टी पढ़ा दिया कौन सी भी चीज खत्म हो गए तो खुशी होती क्या भाई कभी तो भी बोलो आप जा रहे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया अच्छा हो गया बोल के खुशी मनाते खत्म हो गया ना खुशी होती मोबाइल में बैलेंस हो गया अच्छा हो गया किसी से नहीं करते। खुशी होती, टेंशन होती हो गया। कौन तो भी कि रे मिया थोड़ा वाईफाई लगा दे रहे जल्दी हाथा काप रहे गेम नहीं खेल के खत्म हो गए तो खुशी बोलो बोलो ना जी खत्म हो गए तो खुशी नहीं होती एक साल खत्म हो गया खुशी क्यों हो रही फिर सोचना है फिकर करना है मेरी जिंदगी का एक साल खत्म हुआ पता नहीं अगला साल मुकमल जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा नहीं मालूम फिक्र होना और अच्छे काम करने की सोच होना तो बहरियाल आज मैं आप लोगों के सामने पहली चीज रखा खुशी के नाम पर होने वाले गुना बड़े मनाना मैरिज डे मनाना न्यू ईयर मनाना अच्छा ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर अभी जो गया ना मालूम है ना बोलो उसके बारे में कुछ बातें क्या है क्या था पच्चीस दिसंबर को क्या गया था क्रिसमस डे हाँ क्रिसमस डे बोले तो क्या भाई जरा गौर से सुनो आखिरदे का मसला ये तो बड़ा खतरनाक मसला है हम लोग क्या समझ रहे नहीं मोल साहब अब वो हमारे कॉलेज के दोस्त हैं हमारे स्कूल के दोस्त हैं हमारे बिजनेस पार्टनर हैं हाओ भाई अच्छी बात है हर गैर मुस्लिम से मोहब्बत करो खैर खाही करो उनकी मदद करो अच्छी बात करो हसन सुलूक करो सब करो हर गैर मुस्लिम से दोस्ती करो हराम नहीं है गलत नहीं है अच्छे ताल्लुक बना के रखो लेकिन शरीयत को छोड़ के नहीं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे था क्रिसमस डे का मतलब क्या था कि वो लोग यानी कौन ईसाई ईसाइयों का आकीदा है 25 दिसंबर को ईसा आलाम पैदा हुए 25 दिसंबर को उनके मुताबिक ईसा आलाम पैदा हुए और ईसा सलाम कौन उनके आकीदे के मुताबिक अल्लाह के बेटे अल्लाह के बेटे अब हम मुसलमानों का आकीदा क्या है अल्लाह का बेटा है अच्छा इसमें अजीब बात सोचने की देखो ईसाइयों से अगर हम पूछेंगे ना ईसा आल सलाम कौन बोले तो अल्लाह का बेटा बोलते हैं मरियम सलाम कौन बोले तो ईसा सलाम की माँ बोलते ये दोनों माँ बेटे तो फिर ईसा सलाम अल्लाह का बेटा और मरियम सलाम ईसा सलाम की माँ तो फिर अल्लाह और मरियम कौन बोले तो कोई भी नहीं होना क्या था असल में जब अल्लाह का बेटा ईसी सलाम है ईसा सलाम को वो लोग मानते कि ये अल्लाह का बेटा है मरियम सलाम जब माँ है तो फिर अल्लाह उनके नजदीक मरियम मरियाम नौज बिल्ला क्या होना था मियाँ बीवी होना था लेकिन बोलते नहीं मियाँ बीवी तो नहीं है लेकिन ये माँ है उन्हें बाप है यह उन लोगों का लेकिन हमारा आखिदा क्या है? लम्यालित ना वो किसी को जना ना वो किसी से जना गया मतलब अल्लाह के ना मां बाप है ना कोई औलाद अगर उस दिन कोई नहीं जी मेरा दोस्त है मेरा पड़ोसी है खाली हैप्पी क्रिसमस बोल दिया तो क्या हो रहा क्या हो रहा तुम उस दिन उसको बोले मुबारक हो अल्लाह का बेटा पैदा होने पे मुबारक हो बोले तुम सिर्फ यह एक जुमला इस्लाम से बाहर कर सकता इस्लाम खतरे में हो सकता है हैप्पी क्रिसमस बोलने से नहीं मनसाबा नाराज हो जाती तो क्या करना हाँ माशाल्लाह बेहतरीन मौका दावत दीन का काम करने का दावत देने का भाई भाई पीछे वाले हजरात नौजवान साथिया मेरे तरफ देखो मेरे को, मेरे को को देखो भाई सिर्फ इधर देखो स्पीकर को देखना उधर इधर चुनी आपको तो क्या बोल रहे थे हम अगर हम हैप्पी क्रिसमस बोले तो अल्लाह का बेटा पैदा हुआ मुबारक हो बोल रहे तो फिर इसकी वजह से हमारा इस्लाम भी खतरे में हो सकता तो आप अगर किसी को हम विश नहीं करें तो उस वक्त अगर वो सवाल करे भाई तो हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं बोल रहा सेम टी यू बोल रहा। हम वहाँ पर कोई बेटा नहीं इस तरह दावती दिन का काम भी करना है हम करेंगे ना भाई इनशा नौजवान माशाला इतने सारे आप लोग जमा हुए बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के आप सब भी अगर ये दीन की बुनियादी बातें चंद छोटी छोटी चीजें अगर सीख लिए माशाला बेहतरीन दाई बन सकते आप लोग बेहतरीन दावती दिन का काम कर सकते हम लोग दीन के काम से दीनी इल्म से इतने दूर भाग रहे दूर भाग रहे भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा सीखो मस्जिद में माशालामा मौजूद है दाइया भी आते रहते हर आ, हफ्ते में हर महीने में हाँ दूसरी जगह से भी माशाल्लाह आपके पास उलमा कराम आ रहे सीखो भाई तो बहरियाल पहला गुना क्या है मैं आप लोगों के सामने रखा काफिरों के और गैर मुस्लिमों के तरीकों पर हम लोगों को आज खुशी हो रही लेकिन ये खुशी बहुत बड़ा नुकसानदेह है अच्छा उसके बाद एक और खुशी के नाम पर होने वाले गुनाह उनमें से एक है बेहयाई क्या बोला बोलो बेहयाई आज बेहयाई करते हुए इतनी खुशी हो रही बेशर्मी करते हुए इतनी खुशी हो रही अब उसकी कोई इंतहा नहीं रही भाई क्या क्या बताऊं मैं आपको आज बेहयाई के बारे में सबसे पहले सूरा नूर आयत निकाल के देखो एक बड़ी अहम आयत आप लोगों के सामने रख के उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे आयतों को समझने की कोशिश करना आसान अंदाज में समझा रहा हूं समझ में तो आ रही ना भाई इनशा हाँ चलो अल्लाह ताला तला नूर आयत नंबर उन्नीस में कहता है अल्लाह तला क्या कहता है जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरज़ुमंद रहते हैं इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है दुनिया में भी अजाब आखिरत में भी अजाब किसके लिए बोल रहा अल्लाह तला जो लोग बेहयाई को फैलाने की कोशिश करते बेहयाई शुरू करते नहीं बोल रहा यहां पर अल्लाह तला खाली बेहयाई फैलाने वालों के लिए अजाब दुनिया में भी आजाब आखिरत में भी आजाब अब बेहयाई फैलाने की मिसाल दे रहा हूं देखो क्या है भाई आपके व्हाट्सएप पे एक गाना आया एक फिल्म आया एक पिक्चर आया गंदा कुछ तो भी एक फोटो आया आपके पास आया आप उसको उठा के आपके फ्रेंड्स को या फिर आपके मोबाइल में जितने ग्रुप्स है उनको फॉरवर्ड करें ये क्या हो गया बेहयाई को फैलाना आप वो इमेज बनाए क्या बनाए नहीं बनाए आप वो फिल्म बनाए आप वो नंगी तस्वीर बनाए नहीं बनाए आप क्या करें खाली फैलाए फॉरवर्ड करें? तो सिर्फ फैलाने वाले के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी आजाब तो शुरू करने वाले के लिए फिर कितना खतरनाक आजाब बेहयाई फैलाना आज हमारे नौजवानों को नौजवान क्या बोलूं बूढ़े भी कुछ पीछे नहीं है औरतम भी कुछ पीछे नहीं है मर्द भी कुछ पीछे नहीं है बेहयाई में तू बोले तो मई मई बोले तो तू तू इतना करे तो मैं इससे ज्यादा करके बता बोल कॉम्पिटिशन चल रहा बेहयाई में कैसे कैसे बेहयाई भाई थोड़े दिन पहले तक टिकटॉक था नौजवान हम पूरे एक्टर बन गए कहां बोले वहां निकाल ले रहे टिकटॉक पे वीडियोस निकाल के बना ले रहे टिकटॉक खत्म होते क्या शुरू करे इंस्टा है ना इंस्टा पे और भी बहुत है लेकिन ज्यादा इंस्टा चल काम क्या कर रहे नाचना उसका गाना लगा के लगा बोल रहा बोलना सिर्फ मर्द ही नहीं औरतें भी शुरू हो गए हमारे मुसलमान बच्चियां पूरे बुरखा पहन के बुरखा उतार के सब बेहया करते हुए इंस्टा पे अब मेरे को कितने फॉलोअर आए मेरे को कितने लोग और इतने बेशरम इतने बेहया हो गए लोग आज कई मुसलमान अपनी बीवियों की अपनी बहनों की अपनी औरतों की वीडियोस निकाल के वो इंस्टा पे रील बना के इंस्टा पे डाल रहा नहीं तो यूट्यूब पे डाल रहा रील्स बना के और देख रहा क्या देख रहा कितने आदमिया लाइक करे मेरी बीवी का फोटो उतार के रील्स पे डाल के मेरी बीवी को कितने आदमिया लाइक करे बोल के चेक कर रहा तेरी बीवी को लाइक तू करना था लोग करे तो खुश हो रहा कितना बेशरम हो गया बोलो बोलो भाई किसकी बीवी को उन्हें लाइक करना की हमारी बीवी को दूसरे लाइक करना की नहीं बोल रहे समझ में आ रही बात हमारी बीवी को हमेशा लाइक करना दूसरे लाइक करे तो खुशी होती तकलीफ होती ना तो शर्म है यार है तो ना तकलीफ होने का कितने लोग शादी में वीडियो निकाल रहे वीडियो निकाले के क्या कर रहे अच्छा वीडियो तो दूर की बात अभी आधा ही बात कितने बेश हो गए देखो शादी से पहले बच्चियां को देख रहे प्रोफाइल भेज दिए बायोडेटा भेज दिए हाँ हमारे पास है पहले फ़ोटो भेजो एक एक बच्चे को पचास पचास सौ सौ फोटोस फोन फोटो। अब इन्हें लेता फ़ोन में फ़ोटो अम्मी आया कि जी फोटो आ, आया बेटा फोटो रख लेता मोबाइल में दोस्त के पास अरे देख रहे बच्ची अच्छी है कि रे शादी कर ले तुम बोल के देख रहा फोटो आए थोड़े देख किसको दिखा रहा दोस्तों को रिश्तेदारों को दिखा रहा दोस्तों को पूरे अब उन्हें भी बोलता हा रे परसों अपना अकबर की शादी हुई ना रे उसकी बेगम की भी देखा रहे मैं फोटो उससे तो भी नहीं अच्छी दिख रही रे, कर ले बेशर्म बच्ची को देखने जाके दोस्तों को लेके जा रहा है इन्हें पहले मैं अकेला नहीं देखता मेरे जिगरी दोस्त हैं इन्हों भी देखते इन्हों ओके बोले तो मेरे को ओके हाय शर्म खुशी के नाम पे गुना अच्छा शादी में कितने मुसलमान है वीडियोग्राफी निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे शादी में आज तो पहले कैमरा मैन आता था आज भी आ रहा नहीं बोल के नहीं लेकिन पूरी कौम कैमरा सबके पास है कैमरे आज कौन से है कि नहीं सो हर एक के पास है सीधा जाते तेज कहा है स्टेज यहीं छे चलो वीडियो निकाल लो और हाँ नहीं तो क्या करना दुल्हन के सामने जाके सेल्फी गए सो बच्चिया बच्चे बुढ़े बुढ़िया सब जा रहे सेल्फी निकाल अब वो सेल्फी बोले तो मुंह तेड़ा रखना पता ऐसा वो आजीबी निकाले मस रखे तो सेल्फी आती सब अच्छा सेल्फी निकाला सीधा कहा रखा स्टेटस पे कितना बेशरम गुनाच नहीं समझ रहा अच्छा कई लोग कुछ लोग शरीफ समझते अपने आप को क्या शरीफ समझते नहीं हम बच्चे को नहीं बताते किसको नहीं बताते बच्चे को नहीं बताते बाकी सबको बताते खानदान वाला खानदान वाले आओ, देख लो लेकिन जो कर लेने वाला दूल्हा है उसको नहीं दिखाते उन्हें नहीं देखता अम्मा की बात बाबा की बात सुन के ठीक है जी अम्मी क्या कर लेंगे फोटो से एडजस्ट कर लेते जान दे आप खा मुझ बैठता अब कब कब दिखता कि उसका चेहरा कब कब देखता कि खाली फोटो देख ले रहा रोज लेकिन उससे पहले से भी पहले कबूल है बोलने से भी पहले कैमरामैन को भेज देते जा वाह तू देख ले नहीं कर लेने वाले दूल्हे को नहीं दिखाते कैमरामैन को दिखाते हाँ बराबर दिखाते ना वो कब से दिखाते रसम हुए जब से दिखाते मंजा डाले जब से दिखाते उसको हल्दी लगाते हुए दिखाते उन्हें जाके हर एंगल में देख रहा पूरा देख रहा उठा के देख रहा बिठा के देख रहा चला के देख रहा हंसा के देख रहा उसका शोहर ने देखा अभी तक बेचारा उन्हें खाली फोटो देख लेके परेशान कैमरामैन मैन जाके पूरा देख लेके आ रहा अब यहां शर्म है या सब खत्म इतने पे शर्म अब उसको लेके क्या स्टेटस पे रील्स पे वीडियो में पूरी शादी की दावत बिया पूरी निकाल लिया वीडियो कैसेट बना लिया है सो रिश्तेदारों को सबको बिठा लेके सबको दिखाता बुढ़े हो गए 1980 में 1970 में शादी हुई अब तक कैसेट छुपा के रख लिए जोर मर गए तो वेकला बुढा गाले के था देख तुम मेरी शादी की क्या को निकाल के रख ले एक बार पूछा मैं कुछ शादी की क्या सीटें निकाल लेते इतनी बेशरम इतनी बेहयाही वाली नहीं मल साहब याददाश्त के वास्ते से पहली बार होती ना मुल साहब इसलिए निकाल के रख लिए पहली बार होती एक ही बार होती पहली बार बहुत सारी चीजें होते सब निकाल के रख लेते बेशर्मा है बोलने के लिए भी शर्मा थी उसमें बहन की निकाल के रखा फुप्पू की खाला की जितने रिश्तेदार आए उनके सबके सबके फोटो हैं सब निकाल के यूट्यूब पे डाल ले रहे सब निकाल के रील्स बना ले रहे स्टेटस पे रख लिए तो मैं क्या बोला इस आयत में अल्लाह ताला क्या बोला आयत को नहीं भूलना है हम फैलाने वाले का गुना क्या था दुनिया में भी आजाब आखिरत में भी अब यहां जो खुद रील्स बनाया फोटो निकाला कैमरामैन बन के गया शादी की कैसीट बना अब इन्हें फैलाया क्या नहीं इन्हें शुरू करा इन्हें बनाया पहले फिर इसके लिए कितना खतरनाक अजहब होगा उसके लिए खर्चा करा पांच दस हजार लेके आके उसको किराए पे बुला के लाया खर्च करने वाले बाप के कितना कितना बड़ा अजब होगा बेहयाई फैलाने वाले के लिए दुनिया में भी आजाब आखिरत में भी आजाब बोले अल्लाह ताला कुरान की आयतों को समझो मेरे भाइयों स्टेटस बोले तो एक बात ये भी बोलता हूं स्टेटस मोबाइल के स्टेटस चेक करने की आदत आज पूरे लोग चेक करते रहते 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 करते रहते कौन क्या लगाया कौन क्या लगाया अच्छा कुछ लोगों की आदत क्या रहती इन्हें लगाता कुछ तो भी इन्हें लगा के उन्होंने कि नहीं कि बोल के इन्हें देखता किसके के लिए लगाता उन्हें उन्हें देखना उसके बाद से इन्हें लगा लेता स्टेटस पे हर पांच मिनट को एक बार देखता देखे कि नहीं देखेगी अब भी नहीं देखे जी कब देखते कि क्या है कि तू स्टेटस लगा के उसके इंतजार में रह रहा तो डायरेक्ट उसको भेज देना रे भाई परेशानी खत्म नहीं नहीं कितने आदमी लाइक करेगी अब ये स्टेटस तुम्हारा जहन्नम में ले जाता कब ये बोल रहा हूं सुनो आप सिर्फ स्टेटस जहन्नम में ले जाता और किसी का स्टेटस देखना हो ना उसके मोबाइल का स्टेटस देख लो उसका स्टेटस पूरा मालूम हो जाता उन्हें दीनदार है बेदीन है कैसे اخلاق वाला है कैसे اخلاق वाली है नमाजी है बेनमाजी खाली उसके मोबाइल के स्टेटस चेक कर लिए तो मालूम हो जाता है अब शायद भूल जा तुम बोल के ये भी बात बोल रहा हूं मेरी नौजवान बहनें भी सुन रही होंगी मेरी माँ बहने आप लोग सुन रही है मेरी बातों को गौर से तो याद रखो आज हमारे नौजवान लड़कियों को लड़कों को जो हम आजाद छोड़ दिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बच्ची बिगड़ रही है तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा है कब मालूम होगा सिर्फ उसके मोबाइल के स्टेटसों को चेक करो मालूम हो जाता उन्हें कब बिगड़ रहा कैसा बिगड़ रहा बस आजाद छोड़ दिए हम बच्चियां भाई स्टेटसों पे लगा लेते ऐसे गंदे बेहयाई वाले तस्वीरें ऐसे वीडियो ऐसी तस्वीरें और शायरियां अजीब शायरियां गम के शायरियां मोहब्बत के शायरियां खुशी के शायरियां उसके स्टेटस के शायरों से समझ सकते तुम हाँ इसके कुछ तो भी दाल में काला है इन्हें बिगड़ रही इन्हें बिगड़ रहा इन्हें जा रहा किधर की गलत रास्ते पे तो स्टेटस कैसे जहन्नम में ले जाता मालूम है अल्लाह दिल में उठने वाले ख्यालात को नहीं पकड़ता दिल में हमारे जो ख्यालात रहते ना भाई जो भी हम सब इंसान हैं कुछ भी बुरा ख्याल आता अच्छा ख्याल आता वो दिल में रहता जब तक वो दिल में है अल्लाह तला नहीं पकड़ता गुना नहीं लिखता इस पर लेकिन अगर वो दिल में से निकल के हमारे मोबाइल के स्टेटस पे चढ़ गया ना अब वो ख्याल ख्याल नहीं रहा वो दावत बन गया सब लोगों के लिए गाना देखना बल्कि दिल में आया था लेकिन बाद में नहीं भाई गाना सुनना हराम है मैंने सुन तुम बल्कि अगर छोड़ दिए कर दिया लिखा जी नहीं लेकिन वो गाना अच्छा है मिया सामने आ गया रील बोल के सीधा तुम्हारे स्टेटस को सौ लोग देखे सौ लोगों को तुम दावत दिए गुना का सौ लोगों का गुना तुम्हारे को भी बराबर मिलेगा याद रख लो तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन सकता तो क्या बोल रहा था मई बेहयाई अब ये बेहयाइयों के बारे में कितना भी बोलूं कम है क्या क्या बताऊं मैं इतने बेशरम इतने बेहया हो गए खास तौर से हमारे मुसलमान औरतें हैं पर्दे में बेपर्दगी है आज पर्दा करना बहुत मुश्किल हो गया तकलीफ हो गया मैं शुरू से बोल रहा हूं इस्लाम तुम्हारे को कुछ पाबंदियां लगा रहा साठ सत्तर साल की जिंदगी में अपने ख्वाहिशात को कुछ लो हमेशा की खुशी आए मेरी मां बहनों जन्नत में है तुम यहां पर बुरखा उतार के जो खुशी महसूस कर रहे ना ये खुशी तुम्हारे लिए हमेशा की जहन्नम में ले जा सकती याद रखो बेपर्दगी नाम का पर्दा हो गया हमारे पास बुरखा पहनने वाले भी सिर्फ नाम का बुरखा हो गया सुरा नूर आयत नंबर तीस और इकतीस निकालो पर्दे के बारे में अल्लाह ताला ने कहा आज बुरखा कैसे नाम का हो गया भाई शादियों में गए किसी को बुरखा याद रहता हॉस्पिटल में गए किसी मरीज को देखने के लिए वहां जाने के बाद बुरखा उतर जाता दुकान में गए कपड़े खरीदने के लिए बुरखा उतर जाता बस में बैठे बैठे तक वो रहता क्या बोलते भाई उसको नोसपीस हाँ माशाला बच्चे देखो मालूम है बच्चों को भी नोसपीस वो नोस पे चटक के रहता कुछ लोगों का कैसा रहता मालूम ये बन लेने के भी अजीब तरीके है हमारे औरतों के कुछ लोग माशा पूरा मुकम्ल करते अच्छा नोस पीस अच्छा फेस कवर करते अलहमदिल्ला कुछ लोग क्या करते मालूम है वो खाली एक पिन रहता है एक वो सुई रहती इतनी वो ऐसा सीधा ऐसा दस्ती के जैसा ऐसा लेके जाके खाली वो पिन ऐसा चुबा के रखते बस में बैठते जैसा पिन उखाड़ दिए तो होगा पूरा निकल जाता है हर वो भी लंबे नाक रहे सुन कुछ नाक पे अटकता वो यहाँ पिशानी के ऊपर के बालों से लेके वो नाक तक का पूरा आधा चेहरा दिखता वो नाक लंबी नहीं रहे तो उसमें से भी निकल जाता आधा चेहरा दिखा के रखती वो भी आईब्रोज बना के काजल लगा के मर्जी का पर्दा है शोहर आया भाई आया कॉलेज पे छोड़ा वहां तक पर्दा कॉलेज में जाने के बाद पर्दा भी सब निकाल दिया बसों में क्योंकि सफर करता हूं मैं ज्यादा आज निजामाबाद से आया डेढ़ सौ किलोमीटर का सफर है आमतौर पर बसों में ही हमारा ज्यादा सफर होता तो कभी ऐसी चीजें देखते भाई लोग क्या कर रहे भाई बाप आया बस पे बिठा दिया उसको टाटा बाय बाय बोले ताकि कि फेस कवर उन्हें जाते निकाल के बैठ जाते हैं बोलो भाई सब मर्दा हैं उनके सामने चेहरा कैसा खुला रहता फिर बस का कंडक्टर आया कोई मसला नहीं चेहरा खुला रहने दो लेकिन अचानक अगर मेरे जैसा मुलसा छड़ा समझो बस में झुके डाले ऐसा आया रे बाबा मर्द असल अब इन्हें आया सबसे बड़ा बदमाश इन्हें आया अब इतनी देर से बस में बैठे मर्द आज नहीं समझते कि फिर नहीं तो उन्होंने सब भाया समझते कि उन्होंने सब शरीफा समझते कि फिर वो समझ में नहीं आते उन्होंने सब देख रहे पूरा दिखाते दाढ़ी वाला चढ़े तो हो गया मुल साहब को एक्सपीरियंस रहता इसका एक मल साहब ऐसा मस्जिद में हमेशा नमाज पढ़ा के गली में उनके घर को जाते थे कथे एक औरत पूरे मुसलमानों का एरिया एक औरत हमेशा रोड पे बैठती थी इससे बात करती उससे बात करती रोड पे आती चीखती चिल्लाती मल साहब वहां से जा रहे बोले तो धनु बोल के भागती थी कते घर में मल साहब देखे 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 एक दिन ऐसा जा रहे थे कहते मल साहब को देखते अंदर भागी कहते जाके पूछे कते क्या जी अम्मा पूरे महले में मैं एक अलग बदमाश हूँ की बोले कहते मेरे देखे तुझ भाग रहे बाकी बदमाशा सबको सब कुछ दिखा रहे मर्जी का पर्दा पार्क में चले गए पार्क में जाने के बाद चेहरा खुला होटल में गए बिरयानी गए चेहरा खुला यह पर्दा है ये ये बेहयाई नहीं है यह बेशर्मी नहीं है बेहयाई टॉपिक क्या बोला मैं आज खुशी के नाम पर होने वाला गुना चेहरा खोलने में खुशी लेकिन गुना क्या हो रहा बेपरदगी हो रही शादियों में गए शादी के बारे में फुर्सत से बोलूंगा इनशाला अगर आप लोग मोहब्बत से कभी बुलाए तो बहुत सारी बातें हैं शादी मियाँ बीवी कभी निकाल के देखो यूट्यूब पे अल्लाह के फजलो करम से साढ़े तीन सौ कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे इनशाला इंस्टा पे भी अल्हम्दुलिल्लाह रील्स मिलेंगे आपको फेसबुक में मिलेंगे क्योंकि नौजवान कहाँ कहाँ गुमराह हो रहा वहाँ वहाँ अच्छी बातें भी फैलाना हमारी जिम्मेदारी है बोल के कोशिश करते हैं हम तो मेरे भाइयों क्योंकि अब याद आई बात तो मैं बोल रहा हूं मेरी मां बहनों को खासतौर से मेरे भाई आप लोगों को भी खासतौर से असल में इसकी जिम्मेदार आप लोग भी है अच्छा शेख टाइम कितना है ईशा का आठ जमा आठ बजे चलो टाइम का भी ख्याल रखना है वरना मल साहब अच्छा बोले मगर बहुत लंबा खींचे और एक बार नहीं जाना बोल के सोच लेते हैं नहीं ना भाई ऐसा इन शादियों में जाके मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों खासतौर से बोलने का मकसद एक मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूँ लेकिन दिल में एक तकलीफ से बोल रहा हूं मैं इसलिए अल्लाह हमारे इन गुनाहों की वजह से हम सबको जितने बैठे जितने सुन रहे और इस वीडियो के जरिए जितने सुनेंगे उन सब मुसलमानों को कल ख़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाना इस फिक्र से बोल रहा हूँ मैं बस हम सब बचना जहन्नम से इसलिए बोल रहा हूं क्या है भाई शादियों में जाके हम समझ रहे कि भाई बुरखा उतार दिया कोई मसला नहीं लेकिन आज हर एक कैमरामैन बन गया हर एक के हाथ में सेल्फी है हर एक के हाथ में मोबाइल है कौन कब तुम्हारी तस्वीर उतारता कहां कहां फैलाता तुम्हारे को नहीं मालूम इसलिए वहां जाकर भी तुम्हारा चेहरा खोलना फितना बन सकता है यह भी गुनाह हो सकता है तो बहरियाल ये बेहयाइयां यह बेपर्दगियां यह वीडियो यह सेल्फी यह स्टेटस ये रील्स और बेहयाइयों के बारे में क्या बोलूं जीना इतना आम हो गया इतना आम हाँ हो गया यह बेहयाई की इंतहा हो गई अब ला तक्रबना बोला अल्लाह तला के करीब भी नहीं जाना बोला जिना के करीब नहीं जाना बोले तो क्या कौन तो भी जिना कर रहा उसके नजदीक जाते क्या जी कौन तो भी नहीं इसका मतलब है जिना के बारे में जो ख्याल आता ना जिसकी वजह से ख्याल आता उन तमाम चीजों से दूर रहो कौन सी फोटो देखने से तुम्हारे दिल में जिना का ख्याल आता कौन सा फिल्म देखने से कौन सी पिक्चर देखने से कौन सी शायरी सुनने से कौन सा गाना सुनने से तुम्हारे दिल में भी अरे मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो अच्छा था मेरा एक बॉयफ्रेंड होता तो अच्छा था मैं भी करे तो अच्छा था जो ख्याल आता ना जिसकी वजह से तुम्हारे को ख्याल आता उन तमाम चीजों से बचो दूर रहो बोल रहा अल्लाह तला आज इतना बेशरम इतने बेहयाम ओय होटलों में पकड़े जा रहे हमारे नौजवान लड़कियां बुरखे पहन के रहने से उन्हें मालूम हो रही है लड़कियां मुसलमान की बोल के अब मर्दों को तो बुरखा नहीं है ऐसे तो ऐसे मनाजिर वो पार्कों में कभी वो उन्हें क्या वॉचमैन वगैरह रहता ना उन्हें बोलता ना ऐसी ऐसी बातें क्या बोलो मंग साहब देखने के लिए हमारे कुछ शर्माती ऐसी चीजें करते पार्कों में आके लोग बुरखे उतार के नौजवान लड़कियां लड़के कोई पूछने वाला नहीं भाई समझा बाप समझा मैं कॉलेज में छोड़ दिया आ गया मेरी बच्ची कॉलेज में होंगी एक गेट से तुम छोड़े दूसरी गेट से निकल गई उन्हें भी पार्कों में दिख रही मुसलमान लड़कियां कौन है वो भी किसी मुसलमान बाप की बेटी छे बे बे है। पार्कों में जानवरों की तरह जिना कर लेते होटलों हो में जाके जिना कर लेते और आज जिना के अड्डे खुल गए कैसे कैसे भाई लिव इन रिलेशनशिप कहते शादी से पहले रिलेशन में रहना कहते जिना कर लेते हुए डेटिंग ऐप्स कते ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं आपके नौजवानों के मोबाइलों को अगर आप चेक नहीं करेंगे ना आप अगर तुम्हारी बहन बेटियों के तुम्हारे भाइयों के तुम्हारे बेटों के मोबाइल को चेक नहीं करेंगे देखेंगे ना आजादी से दे देंगे ना तो फिर कोई डेटिंग ऐप का एडवर्टाइजमेंट आ जाता उसके मोबाइल पे उन्हें सर्च नहीं करता वो खुद आ जाता कोई फोन कॉल आ जाता कोई लिंक आ जाता कुछ तो भी आता उन्हें अगर अचानक उस पर क्लिक करा ना जाता उसमें वो जिना की दुनिया में चले जाता डेटिंग एप्स में चले जाता और ऐसी ऐसी चीजें मेरे भाइयों कुछ दिन पहले वो न्यूज में आया था ना वाइफ स्वैपिंग कहते मालूम कितने बेहया कितने बेशरम हो गए वाइफ स्वैपिंग बोले तो कुछ लोग मिलके पांच हजार लोग इसमें मिले थे पांच हजार लोग इसमें मुलविस हो गए क्या ग्रुप्स बना के मेरी बीवी तेरे को पसंद आए तो तेरे पास भेज तू तेरी बीवी को मेरे पास भेज बीवियों को एक्सचेंज कर लेंगे इस तरह मजे उड़ाएंगे हम पांच हजार लोग एक दूसरे की बीवियों को चेंज कर लिए केरला की स्टोरी है इतने शरम, इतने बेहया अब वो क्या बोलू मैं अगर वो तो केरला की बात है भाई हम समझते अब केरला की या फिर ने तो अमेरिका की बात सुना है तो वहां हो रहा होगा बोल साहब हमारे पास कहाँ हो रहा हमारे अपने इलाके में आपके इस शहर में कितने ऐसे केसेस हुए आप देखते होंगे न्यूज मालूम में एक एक औरत सात सात मर्दों को नहीं मालूम है जैसा शादी कर ले गए जिना करे सोए एक साथ खाली पैसों के लिए सात मर्दों को चार पांच दिन पहले चार मर्दों के साथ शादी करे सो औरत का न्यूज आया जिनाम हो गया बेशर्मी पे आई खुशी हो रही ना खुशी के नाम पे गुना खुशी होना पांच मिनट की खुशी के लिए हलाल हराम की तमीज छोड़े जिना कर रहे आज खुशी के नाम पे होने वाले गुनाहों में जिना याद रखो बड़ा खतरनाक गुना है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिना कल खयामत के दिन क्या होगा जानी मर्दों को जानी औरतों को एक तन्नूर नामी एक गड़ा है आग का में अल्लाह ताला उसमें डालेगा उसका मुंह तंग होगा छोटा होगा लेकिन अंदर बड़ा होगा वो खुला होगा जहन्नम की आग जलाए तो सबके सब वो शोले भड़कने से निकल के बाहर आएंगे फिर अंदर जाएंगे उनको फिर अंदर दबाएंगे। जहन्नम के उस तन्नूर नमी आग के शोले में जलेंगे जिना करने वाले और जानी जब जिना करता है अल्लाह ताला उस वक़्त उसके ईमान को खींच लेता है अल्लाह के वसल्लम की, की हदीस क्या समझे हम कितनी मुसलमान बच्चियां गैरों के साथ काफिरों के साथ जाके जिना कर रही शादियां कर ले रही समझ रही हम हम प्यार करें हम लव करें हम मोहब्बत करें आशिकी कर रहे हम बल्कि यूट्यूब चैनल्स में आके टीवी शोज में आके भी बड़े फखर से बोल रहे हम इसके साथ जिंदगी गुजार रहे इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में है इसके साथ डेटिंग में है क्या कर रही मुसलमान बच्ची जिना कर रही अच्छे अच्छे दीनदार लोगों के घरों से बच्चों के ऐसे ऐसे मामला मालूम हो रहे भाई क्यों आजादी दे दिए छोड़ दिए कभी मोबाइल चेक नहीं करे कभी स्टेटस में क्या चल रहा चेक नहीं करें देखे नहीं तहकीक नहीं करे तो खुशी के नाम पे जिना हो रहा आज बच्चों को सब मालूम आज बच्चों को भी सब मालूम जिना कैसे करना कब करना अच्छा एक बात याद आए तो बता रो मेरे भाई याद रखो जरा गौर से सुनो अब इस जिना पे इस बेहाई पे घंटों बोलूं तब भी कम है दिल एक एक मरतबा वो वाकियात पढ़ता हूं न्यूज देखता हूं तो खून के आंसुर होने का दिल करता है हमारी बहन है वो जो भी करी लेकिन मुसलमान होने के नाते उन्हें मेरी बहन है किससे भी भागी होंगी किससे भी जिना कर रही होंगी वह मेरी बहन है उसका मेरा रिश्ता है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है क्या कर रहे हैं आज एक मुसलमान बच्ची गौर से सुनो किसी गैर मर्द के साथ नजर मिलाई उसको नजर मिलाने का तरीका कौन सिखाया होगा किसी के साथ इशारा करी इशारा करने का तरीका उसको कौन सिखाया होगा किसी से मैसेज करी मैसेज करने का तरीका कौन सिखाया होगा पार्कों में जाके मिली पार्क में मिलने का तरीका चोरी छुपे मिलने का तरीका उसको कौन सिखाया होगा उससे हाथ मिलाने का तरीका कौन सिखाया होगा उसके साथ होटलों में जाके जिना करने का तरीका कौन सिखाया उसके साथ जाके अपने पेटों में हराम नुचपे गिराना एक मुसलमान बच्ची को कौन सिखाया अगर हमल ठहर गया तो हमल गिराने का तरीका भी सीख ली मुसलमान बच्ची उसको कौन सिखाया अबार्शन कराने का तरीका उसको कौन सिखाया घर से भागने का तरीका कौन सिखाया कोई यहूदिया के सिखाया कोई ईसाइया के सिखाया सिखाया कौन घर का बड़ा जिम्मेदार बाप सिखाया हाँ बराबर खुशी के नाम पे होने वाले गुना में एक गुना ये है अपने घरों में का डिश का लगाना। खुशी के नाम पे होने वाला गुना ये पूरी बातें मैं जो सुनाया ना अभी बच्ची को नजर मिलाना हाथ मिलाना मैसेज करना घर से भागना जिना करना आबर्शन करना हराम लुत्फे अपने पेट में पालना ये सब मुर्तद होना इस्लाम छोड़ना ये सब कौन सिखाया बाप सिखाया कैसे सिखाया सिर्फ एक टीवी क्या लाके लगा दिया बोल दिया बेटा भागने का तरीका इन्हें बताता देख सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मुसलमानों जरा संजीदगी से सोचो खुशी के नाम पे लाके लगाया टीवी घर में बोर होती बच्ची घर में टाइम पास नहीं होता मेरे मैडम को इसलिए टीवी लाया टीवी क्या करी भागना सिखा दी जिना करना सिखा दी अफेयर सिखा दी लिव इन रिलेशनशिप सिखा दी हर चीज हर बेहाई हद पार कर दी वो टीवी एक बस काफी है मैं क्या बताऊं आज बच्चियों का मामला नहीं चार चार बच्चों वाली मां का भी मामला यही है शोहरों को भी छोड़ के भाग रही जिना करते हुए नहीं देखे न्यूज में जो आते हैं वो दिखते हैं लेकिन जो नया है वो कितने होंगे कुछ दिन पहले आज तो मुल्कों को भी पार करके आ जा रहे हैं ना देखें ना आप पाकिस्तान से आई ना सीमा इधर चार बच्चों को लेके मुसलमान जीना के, के खातिर कहां से सीखी यही मोबाइल से सीखी इंस्टा से सीखी टीवी से सीखी मेरे भाइयों इस पर अगर मैं बताऊं खुशी के नाम पर होने वाले गुना में एक बहुत बड़ा गुना ये music, ये म्यूजिक, टीवी, गाने और ये मूवीज़, ये खुशी के नाम पर होते हैं अब इस पर जरा गौर से सुनो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है सूरह लुकमान आयत नंबर छिल तर्जुमा और बाज लोग ऐसे भी हैं जो बातों को खरीद लेते हैं बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाए और इसे हंसी बनाए यही वो लोग हैं जिनके लिए रसुवा करने वाला आजाब अल्लाह तला आजाब भी बोला आजाब है इनके लिए किन के लिए आयत गौर से सुनो समझो जो लोग लघु बातों को मोल लेते खरीद लेते है। बोल रहा अल्लाह तला अब लहवल हदीस तर्जुमा उसका लघु बातें अब इसकी तफसीर में इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला तु इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला रजील्ला हसन बसरी रहमत और भी बहुत सारे ऐसे मुहद्दिसीन कहते हैं लहदीस से मुराद म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है गाना बजाना और जो चीज इंसान को दीन से दूर करती है वो सब चीजें लहअल हदीस है अब यह आयत को समझाता हूं समझो अल्लाह ताला क्या बोला जो लोग ऐसी चीजों को खरीदते हैं कैसी चीजें बोलो हमारी जुबान में टीवी इस कुरान के आयत से मुराद टीवी को खरीदना डिश को हर महीना पैसे देना खरीदना मूवीज खरीद के सुनना गाने सुनना ये सब खरीद रहे ना मोबाइल में रिचार्ज करके तो ये सब लहवल हदीस है इन सब चीजों को खरीदना और खासतौर से घरों में डीजे होम थिएटर अच्छी अच्छी आवाज आना मुसलमानों के घरों से ये सब हदीस से इनको जो लोग खरीदते हैं उनके लिए रुसवा करने वाला आजाब बोला अल्लाह ताला अब ये आयत कबूतरी मालूम आपको ये आयत जो अल्लाह ताला उतारा इसकी तफसीर में तफसीर की किताबें निकाल के देखेंगे एक वाकया आता है मेरे भाइयों उस जमाने में जरा गौर से सुनो आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा थोड़ी देर क्योंकि एक दस मिनट टाइम है आप दस मिनट सबर कर लो मेरे भाइयों इस आयत की तबसर में यह आयत की शान नुजुल में यह आयत कब उतरी जब इस्लाम फैल रहा था लोग मुसलमान बन रहे थे नए नए कुछ मक्के के मुश्र क्या करे कुछ नाचने गाने वाली औरतों को खरीदे किराए पे लेके आए आज भी ला लेते ना नाचने गाने वालों को किराए पर लाके नाचाते शादियों में भी नचा रहे और आज भी वो प्रोग्रामों में वगैरह नचाते ना तो उस जमाने में भी एक मक्के का मुशरिक प्लान करा इस्लाम से रोकने के लिए नाचने गाने वाली औरतों को खरीद के लाया किराए पे लाया और जो भी इस्लाम कबूल करता उसके पास भेजता जा जाके नाच एंटरटेन कर उसको कपड़े उतारना उतार डांस करना डांस कर गाना गाना है गा जो करना है कर किसी ना किसी तरह उसको इस्लाम से दूर कर बस अब अल्लाह ताला आयत उतारा ये जो नाचने गाने वालियों को जो खरीदता उसके लिए रुसवा करने वाला आजाब बोला उस जमाने में ये काम मक्के का मुशरिक रहा था आज के जमाने में कौन कर रहे घर का बड़ा घर का जिम्मेदार जो घर में टीवी खरीद के रखा जो घर में डिश खरीद के रखा मैं म्यूजिक पे टीवी पे गाने पे खुल के बोलता हूं चाहे किसी को बुरा लगे हजार मरतबा बुरा लगे कोई मसला नहीं और बोलता वही है जो उस गुना से बचा हुआ है अल्लाह का फजल है जब से ये आयत हमारे सामने आई कई साल हो गया हमारे घर में कोई टीवी कोई डिश एंटीना नहीं अब लोग इस पे बोलते भी नहीं इसलिए क्योंकि बोलने वालों के घरों में टीवियां होती है इसलिए कैसे बोलेंगे मेरे भाइयों ये आयत आप थोड़ा संजीदगी से सोचो उस जमाने में नाचने गाने वाली को मक्के का मुशरिक खरीद के लाया अल्लाह ताला आजाब की धमकी दे के आयत नाजिल करा वही अमल सेम टू सेम एज इट इज आज मैं लाया मैं खरीदा नाचने गाने वाली औरतों को मैं घर में लाके दिखाया अब वहां से मेरी बेटी सीखी मेरा बेटा सीखा थोड़ा ट्राई कर लेंगे बोल के बाहर जाके जिना कर रहे भाग जा रहे अफेयर्स कर रहे ये आजाब खुशी के नाम पर इतना बड़ा गुनाह हो रहा खुशी के नाम पे होने वाले गुना इसमें एक हदीस भी सुनाता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ लोग जिना रेशम शराब और मौसीखी को हलाल कर लेंगे सही बुखारी की रिवायत अब यहां तुम्हारे को जवाब देना है एक सवाल कर रहा हूं मैं इस हदीस में कितनी चीजों को बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल बोल के सुने ना भाई हदीस कितनी चीजें चार सीखना है अब आपको हदीस ये इंशाल्लाह चार चीजों को चार चीजों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कुछ लोग खयामत से पहले हलाल कर लेंगे मतलब ये चार चीजें हलाल है क्या हराम है ये हराम चीजें हैं लेकिन इन चार चीजों को लोग हलाल कर लेते वो चार चीजें कौन सी जिना पहली चीज क्या है बोलो जिना दूसरा मर्दों के लिए रेशम बोलो रेशम तीसरी चीज क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब चौथी चीज म्यूजिक बोलो भाई जरा जोर से चार चीजें याद हो गई आप गिनाएंगे पहली चीज जिना। सब बोलेंगे इंशाल्लाह पहली चीज दूसरी चीज रेशम तीसरी चीज शराब चौथी चीज म्यूजिक चार के चार हराम की हलाल, हराम इन चार चीजों को हम हराम समझे क्या पहली चीज ज़िना को हम हराम समझे समझे ना भाई हां हराम है मुल साहब रेशम का कपड़ा मर्द पहनते क्या अरे नहीं मुल साहब हराम है शराब पीते क्या नहीं मुल साहब हराम है म्यूजिक सुनते क्या अब अटक गई बात म्यूजिक हराम बोल के बोलते क्या मुल साहब मुल साहब नहीं बोलते सही बुखारी की हदीस के रसूल बोले हम भी हदीसों को ऐसा ले लिए मीठा मीठा खा लिए कड़वा कड़वा थूक कडवी चीज नहीं होना तीन चीजें हराम है ठीक है हराम हराम म्यूजिक नहीं ये हराम नहीं ये हराम नहीं, ये हलाल है हमारे लिए घर में लगाओ टीवी लगाओ मोबाइल में लगाओ म्यूजिक गाड़ी में लगाओ म्यूजिक कान में हेडसेट लगा के सुनो म्यूजिक हराम नहीं है ना ये हलाल है समझे हम Allah के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस है हलाल कर लेंगे मतलब ये हराम है तो मेरे भाइयों खुशी के नाम पर होने वाले गुना में म्यूजिक भी है खुशी होना खुशी कैसा कैसा होना हमारे को कुछ लोग आते टेंशन में, है में आ, टेंशन है शराब पीने वालों से पूछेंगे ना क्या जी कई को पी रहे जी शराब क्या करना इतने परेशानियां हैं मेरे को थोड़ा शराब पिए तो रिलीफ होता सुकून होता सिगरेट पीने वाले को पूछेंगे क्या रे इतने डब्बे आप फूंक दे रहा और मैं टेंशन में हूं ला 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 जल्दी 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 सिगरेट दे हा सुकून हुआ रे रमजान में भी इफ्तारी के टाइम पे देखता खाली एक खजूर मुंह में डालने के भागता हमा में जाके गप्पू गप मारता क्या हुआ टेंशन में था रे जब से अब सुकून हुआ सिगरेट पीने से सुकून शराब पीने से सुकून कुछ लोग आंको म्यूजिक सुनने में सुकून गम में हो मल साहब अरे मिया हो थोड़ा अच्छी अच्छा गाना लगा कैसा गाना लगा गम में है तो गम के गाने लगाना कौन तो भी हाथ दे दी तो वही वो, वो गाना लगाना ब्रेकअप के गाने अलग अगर ब्रेकअप बोल ही रहे उन्हें ब्रेकअप ब्रेकअप वही लगा मेरे को अपने गम के गाने देवदास लगा देवदास के गाने सुनता शराब पीता सब छोड़ देता वही गाने सुनता उन्हें शादी के दिन शादी के गाने लगाना मिया दुल्हन को रुख करते वक्त हाँ वो गाना रहता ना स्पेशल वो लगाना जूते चुराते वक्त हाँ वो गाना रहता ना वो लगाना किसके उसको अब ये थर्टी दिसंबर को पूरे मास अब नाचने का रहता ना एरजी आना मोल साहब को इतने बात कैसा मालूम होगा सोच रहे नहीं शैतान खेलता ऐसा मोल साहब को कैसा मालूम ये सब पूरा सुन के नहीं इन्होंने नहीं करे तो इनको कैसे मालूम होगा इनो करे होंगे इसलिए जो बोल रहे हाँ मालूम मेरे को ये पूरे बात हम मालूम होते भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक दाई की नज़र पूरे माशरे पे रहती कौन क्या बोल रहा कौन क्या सुन रहा क्या सोच रहा शैतान कैसा गेम खेल रहा अल्लाह का फजल है अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह से बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरते दम तक तेरे दिन की खिदमत करने की तौफीक दे बस हम माशरे में रहते हैं लोगों से मिलते हैं जुड़ते हैं न्यूज़ देखते हैं गलत फहमी दूर कर रहा हूँ मैं आपको हाँ हाँ न्यूज तो दिया था इसलिए वो देखा तो मालूम हुआ ये बात याद आएगी सब चीजों पर नजर रखते हम देखते कि भाई क्या चल रहा है लोगों से सुनते हमारे पास सवाल आते अल्लाह के फजल से आप मेरे रील्स देखेंगे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहता अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया से हम लोगों को सवाल करते मैसेजेस करते हम किसके घर में क्या चल रहा है माशरे में क्या चल रहा है यह सब देख के याद करके आप लोगों के सामने सुना रहे भाई इसका गलत मतलब नहीं ले लेना है तो क्या बोल रहा था म्यूजिक हराम है खुशी के नाम पे होने वाला ये गाना ये म्यूजिक ये फिल्में ये सब हराम चीजें हैं तो बहरहाल इन तमाम चीजों से हम लोगों को बचने की जरूरत है बस आखिरी एक चीज थी वो फिर कभी इन शस्मों रिवाजों के ताल्लुक से बोलूँगा आज रसमा रिवाजा करते हुए भी औरतों को बहुत खुशी होती इन शाला शादी का कभी टॉपिक लूँगा तो उस वक्त भी और भी जो जो बुरायाँ हो रही मौखे की मुनासिबत से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा लेकिन बस आप लोगों से इतना कम अज़ कम इतनी देर से आप सुने तो एक वादा कर लो अल्लाह से अल्लाह जो कुछ भी आज हम सुने इन तमाम बुराइयों से ज़रूर बचने की कोशिश करेंगे इन तमाम बेहाल के कामों काम को ख़त्म करेंगे इन शह अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी दे अल्लाह सब को इन तमाम बुराइयों से बचने की तोफ़ी दे अल्लाह हम सबको कुरान सन्नत के मुताबिक अमल करने की तोफ़ी दे अल्लाह हम सबको जन्तलफिरदोस में जगयाता फ़रमा आमीन या रबालमीन अल्लाक वरमी वबरक जजकल खै